मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे पूरा इंडिया घूमना है, तो यहाँ पे कंपनी आपको वो भी देती है। अगर आप बिजनेस को शुरुआत करते ही आपने 5 लोगों को आपने रेफर कर दिया और वैसे आपने 5 के नीचे आपने 5-5 कर दिया, मतलब 5 और 25, अगर डेट ऑफ साइन अप जो भी आप साइन अप करते हो 30 दिन के अंदर अगर आप ये कार्यक्रम करके दिखाते हो, ये वर्क करके दिखाते हो, तो यहाँ पे कंपनी आपको गोवा टूर देती है जहाँ पे खाना पीना रहना सब कुछ फ्री। बहुत लोगों का सपना भी होगा कि मुझे विदेश घूमना है, तो यहाँ पे विदेश की भी अपॉर्चुनिटी है, घूमने आप जा सकते हो। जहाँ पे हमें 90 दिन के अंदर 5-25, 125 करना है तो यहाँ पे आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा और वो 90 दिन के अंदर करना। वैसे ही तीसरा जो ऑफर है जिसमें कि नो टाइम लिमिट, जब भी आप 5-25, 125, 625 आप करते हो तो यहाँ पे भी आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा। अब बहुत लोगों का सपना होता है कि हम एक बार ऐसा काम करें जिसमें कि उसका बार बार पैसा आना चाहिए। सो ये जो चीज मैंने बताई थी वो कुछ एक्टिव इनकम की बात होती है, कुछ पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सोते सोते भी पैसा आएगा। आप कहीं दूसरों के साथ बिजी हो या आपका जो प्रोफेशन है, आप जो भी कुछ कर रहे हो बिना प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए हुए, अगर आप इस रैंक पर पहुंच जाते हो, मतलब सिल्वर रैंक, जहाँ पे आपको बिना कुछ काम किए हुए भी पैसा यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंड्स, तो वो कैसे मिलता है, सिल्वर को कैसे अचीव करना है। जैसे आपने 5 आपने डायरेक्ट कर लिया, वैसे कोई भी आपने एक लेग को अगर आपने लेवल 10 तक पहुंचा दिया, मतलब एक के नीचे लेवल 10 तक आपको पहुंचा दिया, तो लेवल 10 के बाद आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको 1% मिलता है, मतलब ₹15 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिलता है, मतलब एक रॉयल्टी के फॉर्म में यहाँ पे आपको आता है। और उसी के साथ एक खूबसूरत सिल्वर रॉयल्टी की पिन आती है जिसमें कि आप अपनी सिटी के मास्टर बन जाते हो, अपने जगह से अपनी सोसाइटी के मास्टर बन जाते हो। उसके बाद नेक्स्ट रैंक है जो कि लीडरशिप बोनस, जहाँ पे अपने डायरेक्ट में ऑलरेडी आपको 5 ऑलरेडी आपके पूरे हैं और उसी के नीचे आपको 5-5-5-5 करना है। जैसे 5-25 को पूरा कंप्लीट कर देते हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 10% की आपको डायरेक्ट इनकम यहाँ पे आपको मिलती है, एक्स्ट्रा इनकम मिलती है यहाँ पे कंपनी की तरफ से। वैसे गोल्ड स्टार की बात करूं, जहाँ पे हमें अपने डायरेक्ट में 5 सिल्वर खड़े करने हैं जिसमें कि हमें अनलिमिटेड डेप्थ लेवल 10 के बाद हमें 2% की यहाँ पे इनकम मिलेगी, मतलब ₹30। वैसे डायमंड की बात करूँ, अलग अलग लेग से हमें 5 गोल्ड निकालने हैं, ठीक है, लेवल 1 से लेकर लेवल 10 के बीच में कहीं से भी आप 5 अलग अलग लेग से आप गोल्ड निकालते हो तो यहाँ पे अनलिमिटेड डेप्थ के बाद लेवल 10 के बाद आपको 3% इनकम शुरू हो जाता है जिसमें कि 45 रुपीज आपको जो मिलती है और जिसमें डायमंड का पिन आपको मिलता है। So, ये सबका ड्रीम रहता है क्राउन डायमंड रॉयल्टी इनकम, ये सभी का सपना है, ये ड्रीम लेवल है कि इस रैंक पे जल्दी से पहुंच पाए, क्योंकि मात्र 3 क्राउन डायमंड है और आपके लिए एक और खुशखबरी है जिसमें कि नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन के 1 क्राउन डायमंड हमें मिल चुका है जो नन अदर देन मिस्टर हर्ष सर्योसर है, कमल सर्योसर जो कि हमारे क्राउन डायमंड है, जो कि आज वो कंपनी के टर्नओवर में से 1% उनको क्राउन डायमंड को जाता है जिससे भी क्राउन डायमंड है। तो क्राउन डायमंड कैसे बनते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ पे कि हमें अलग अलग लेग से 5 डायमंड निकालने हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 10 से अलग अलग लेग से आप 5 डायमंड निकालते हो तो यहाँ पे आपको क्राउन डायमंड यहाँ पे आपको फिर मिल जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनकम की, बात करते हैं जो की रीपर्चेस इनकम। मान लो कि आपकी 1 लाख की टीम साइज है, 1 लाख की आपकी टीम साइज है और हर इंसान से अगर आपको, मतलब मान लो कि हर इंसान से अगर आपको कोई परचेसिंग से, मतलब हर इंसान से आपको अगर 25 पैसा भी मिलता है, हर इंसान से अगर 25 पैसा भी मिलता है तो यहाँ पे पर डे की इनकम आपकी 25,000 आपकी रीपर्चेसिंग इनकम से आ सकती है। वो कैसे? सो मान लो कि आपके टीम से किसी ने ₹1,000 का बस टिकट बुक किया है और उसमें से 2% का रिवॉर्ड पॉइंट यूज किया तो ₹980 का हमारा वो टिकट हो चुका है और वैसे 4% का कैशबैक मिला, मतलब ₹40, मतलब फाइनल टिकट ₹940 पड़ा हमारा। मान लो कि आपकी टीम से ₹40 का कैशबैक आया, अब उसका 25% अगर गिनते हैं तो ₹10, अब वही ₹10 अगर 10 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर इंसान को ₹1 चले जाता है। वैसे अगर किसी अपने टीम में से ₹10 का कैशबैक रिसीव हुआ है, अगर उसका 25% गिनते हैं तो ₹2, और वही चीज अगर हम 10 लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 0.25
यहाँ पे रिसीव होता है, मतलब पर डे की इनकम आपकी 25,000 की प्री परचेसिंग इनकम से हो सकती है। अब बात आती है मर्चेंट इनकम, ये भी बहुत अच्छा मॉड्यूल है, इसमें भी बहुत अच्छी इनकम है, इसमें की बहुत सारे लोग कम इसमें फोकस कर रहे हैं, बट ये बहुत ह्यूज इनकम है, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो मर्चेंट इनकम से। सो मान लो कि मर्चेंट इनकम आप किसी को भी मर्चेंट बना सकते हो, कटलरी, किराना, कपड़ा, आप कोई भी जिनका ऑनलाइन बिजनेस है, आप किसी का भी बिजनेस यहाँ पे रीच कर सकते हो और उनसे भी आप पैसा कमा सकते हो। वो कैसे, प्लीज यहाँ से ध्यान पूर्वक सुने, बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, जिसमें कि आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें, प्लीज यहाँ पे एंड तक बने रहे, क्योंकि मैं कुछ और भी बोनस के बाद में बात करूंगा, क्योंकि आज का सेशन खत्म होने के बाद मैं कुछ चीजें में बात करने वाला हूँ जिसमें कि वो आपको मिस नहीं करना है, तो प्लीज एंड तक बने रहे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मर्चेंट कैसे बनते हैं। मर्चेंट टोटली फ्री है, मिनिमम 10% डिस्काउंट देना होता है मर्चेंट को, क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए, उनको कस्टमर चाहिए, तो यहाँ पे वो डेफिनेटली वो मर्चेंट बनेगा और फ्री में मर्चेंट बनता है। तो मान लो कि नरोडा के अंदर मस्ती ग्री फास्ट फूड है और यहाँ पे जय प्रजापति ने वहां पे मर्चेंट बनाया। जैसे मर्चेंट बनाया तो वहां पे संदीप नाम का नेक्स्ट मनी का मेंबर संदीप करके वहां पे मस्ती ग्री फूड में जाता है और वहां पे 1,000 रुपए का उसने खाना खरीदा। जैसे उसने 1,000 रुपए का खाना खरीदा, उसने बिल पे किया, वैसे उसने 7.5 रिवॉर्ड पॉइंट यूज किए, वैसे 75 रुपीज उसने रिवॉर्ड पॉइंट यूज किए। तो संदीप ने मस्सीगिरी को उसने 925 रुपए मस्सीगिरी फास्ट फूड को उसने दिए, मस्सीगिरी फास्ट फूड को 900 रुपए गए क्योंकि उसने 10% का डिस्काउंट किया था। अब बात आती है, आप लोगों का सवाल होगा कि वो 25 रुपए गएगा तो 25 रुपए कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। जय प्रजापति जिन्होंने मर्चेंट बनाया उसको 10 रुपए मिल जाता है, जिन्होंने खाली एक सिंपल सा उन्होंने जाके एक मर्चेंट बनाया, बेचा किसी और ने, खाया किसी और ने, और जय प्रजापति को बैठा बैठा 10 रुपए मिल गया, तो है कि अच्छी बात है कि बुरी बात, अपने आप से पूछिए। अब वैसे ही संदीप के ऊपर, मतलब संदीप के 10 लेवल पे जिसने संदीप ने जो पेमेंट किया था उसके ऊपर के 10 लोगों को 0.5 रुपए इक्वली 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे जय प्रजापति के उसके ऊपर के, मतलब उसके ऊपर के 10 लेवल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 0.5, वैसे कंपनी को भी 0.5 चले जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, खरीदा किसी और ने, बेचा किसी और ने, और कितने सारे लोगों को इनकम मिल रही है। सो ये बहुत ही प्यारा मॉडल है, बहुत ही खूबसूरत मॉडल है, जहाँ से आप यहाँ से इनकम कमा सकते हो। जिन लोगों का बिजनेस पता होगा उन लोगों को सबको पता होगा कि उनके बार कोड्स लगे हुए होते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। आप अपने आप से पूछिए, जो बिजनेस मैन है, क्या आप लोगों को कभी भी पेटीएम वालों ने कस्टमर भेजा है क्या? क्या गूगल पे वालों ने कभी कस्टमर भेजा है क्या? क्या फोन पे वालों ने आपको कभी कस्टमर भेजा है क्या? बट नेक्स्ट मनी में जैसे आप मर्चेंट बनाते हो तो यहाँ पे आपकी लाइन लगनी शुरू हो जाती है, और वो कैसे लगनी शुरू होती है उसको आपको ठीक ही समझना पड़ेगा। तो ये खाली मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शेयर किया है। अब बात करते हैं क्यों आज लोग 40 लाख प्लस यहाँ पे नेक्स्ट मनी के साथ सक्सेसफुली नेक्स्ट मनी को काम कर रहे हैं। और उसी के साथ मैं यहाँ पे आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा, रिसेंटली हमारे नेक्स्ट मनी प्ले स्टोर के अंदर 29th रैंक हासिल किया है, जहाँ पे कुछ महीने पहले 100 के बाहर था, बट आज इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म जोरदार ग्रो कर रहा है। खुद प्ले स्टोर में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, हमारा नेक्स्ट मनी 29th रैंक पे आपको दिखेगा, जिसमें की बड़ी बड़ी ब्रांड को पछाड़ के उनको आगे किया है नेक्स्ट मनी ने। क्यों आगे किया है ये कारण देख लीजिए, मैं आपको सामने बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला रीजन, क्योंकि सब लोगों को यहाँ पे पैसा चाहिए होता है, और वही पैसा तुरंत अगर हमारे वॉलेट में आ जाता है, तुरंत हमारे बैंक में आ जाता है, आई थिंक सभी लोगों को अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट मनी वही कर रही है, इंस्टेंट मनी हमें मिल जाता है। दूसरा, नो से नो परचेस, यहाँ पे कोई खरीदना नहीं है, कोई बेचना नहीं है। तीसरा, यहाँ पे ग्रोथ लेवल इनकम है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था लेवल 6 से लेकर लेवल 10 में, वहां पे आप देख सकते हो कितना बड़ा पैसा ग्रोथ हो रहा है। चौथा, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे मैंने गाइडेंस पे बात कर चुका हूँ। वैसे ही फिफ्थ है, नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस, आने वाले समय का बिजनेस है। आज हर किसी को एक मोबाइल के क्लिक से सारा काम हो जाना चाहिए, एक मोबाइल के क्लिक से रिचार्ज हो जाना चाहिए, एक मोबाइल के क्लिक से हमारे घर में प्रोडक्ट
हटा लेना चाहिए, हमारे एक मोबाइल के क्लिक से फ्लाइट ट्रेन बस इंश्योरेंस सब बुक होना चाहिए। और ये होता है, सभी लोगों को यही चाहिए होता है, क्योंकि और ये आने वाले समय का बिजनेस है। और इसी ट्रेंड के साथ अगर आप परिवर्तन के साथ अगर आप जुड़ गए तो आपकी यहाँ पे करियर बन सकता है, लाइफ चेंज हो सकती है और आपके सारे सपने यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम, नॉमिनेशन फैसिलिटी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूनिक डिजिटल सपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने कहीं पे भी इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए आपने नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया या खुद का ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया या कहीं भी आपको फीस पे करने की जरूरत पड़ी, फ्री में घर बैठे बैठे पंखे के नीचे आप यूनिक डिजिटल सपोर्ट पे आप मुझे यहाँ से सुन पा रहे हो। मैं यहाँ पे मेरा खुद का बिजनेस है, खुद का बिजनेस के साथ मैं आपको यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहा हूँ, आपको सेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आप भी अपना प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए एक कहीं पे भी आने जाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की आपको कहीं जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे एक जूम के जरिए यहाँ पे आप सेशन को अटेंड कर सकते हो। और उसी के साथ में यहाँ पे नो रिस्क नो लायबिलिटी, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। एक छोटा सा स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि एक जॉब पाने के लिए भी 10-20 हजार या 30 हजार जॉब पाने के लिए हम कितने लाखों का एजुकेशन कर लेते हैं, जहाँ पे आप स्कूल कॉलेज कम से कम 10-20 लाख अपने एजुकेशन आपने कर लिया होगा 20-30 हजार जॉब पाने के लिए। बट यहाँ पे आप एक डिग्री लेने के लिए वैसे ही यहाँ पे सक्सेस लेने के लिए यहाँ पे आप समझ लो कि 3 साल का एक ग्रेजुएशन कोर्स का जो फीस पे कर रहे हो, जहाँ पे आप सीखते सीखते यहाँ एक बहुत ही बढ़िया हैंडसम अमाउंट यहाँ पे आप कमा सकते हो, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट आपको सिखाते हैं, जिनों की इनकम बहुत अच्छी होती है, जिनकी 10,000, 50,000, 10 लाख यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, जिन्होंने वो एक्सपर्ट यहाँ पे आपको सिखाएंगे इस बिजनेस में आप कैसे डे बाय डे कैसे कैसे आप सेकेंड बाय सेकेंड यहाँ पे आप ग्रो हो सकते हो और यहाँ पे आप बड़ी इनकम और अपनी लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। वैसे यहाँ पे मैं एक बहुत शानदार सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रियल पैसिव इनकम विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन नेक्स्ट मनी। तो ये मिस्टर अशोक सर है हमारे साथ, जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी। जब इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो बहुत ही अच्छा बिजनेस इनका चल रहा था, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन के कारण उनका देहांत हो गया और देहांत के बावजूद भी उनकी टीम साइज बढ़ती जा रही है। जब इन्होंने बिजनेस को शुरुआत किया था तो अप्रोक्स उनकी 20-50 हजार की इनकम आ रही थी, बट उनके देहांत के बाद भी उनकी टीम ग्रोथ इनकम चलती गई और लाखों में इनकम के घर पे जा रही है, जिनको उनको वाइफ को नेक्स्ट मनी का एंड भी नहीं आता तब भी उनके परिवार को इनकम जाता है नेक्स्ट मनी से। सो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने लिए नहीं करिए, आप खुद सोचिए कि आप ऐसा क्या काम कर रहे हो जो आपको कुछ हो जाए घर चलते जाते या कुछ हो जाए आपको, तो आप अपने जाने के बाद भी आप अपने परिवार को क्या अपनी इनकम देके जा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो जो क्या आप परिवार को इनकम देके जा रहे हो, बट जैसे आप नेक्स्ट मनी को स्टार्ट करते हो कुछ अच्छा काम करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ हो जाए तब भी आपको पैसा आपको मिलेगा। सो यहाँ पे ये बिजनेस को खुद के लिए नहीं करना है, अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए इस बिजनेस को कल से नहीं आज से ही शुरुआत करिए। और ये कुछ मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग है यहाँ पे, मेरी टीम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिन्होंने मेरे टीम से यहाँ पे नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन से यहाँ पे लोग यहाँ पे फ्रूट्स यहाँ पे बाई करते हैं, तो उसका पैसा हमें यहाँ पे मिलता है। स्टेशनरी में से कोई बुक्स बाई करता है तो हमें यहाँ पे पैसा मिलता है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल शॉप से कोई कार्ड खरीद रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बट मुझे पैसा आ रहा है, मुझे नहीं पता है कौन खरीद रहा है बट मुझे पैसा मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं यहाँ पे आप देख सकते हो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो चाय का मुझे 38 रुपए आया है और 5 रुपए आया है, पता नहीं पूरी टीम के साथ गई है, पूरे परिवार के साथ जाके चाय पी और मुझे 38 रुपए आए, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मुझे किसी ने पिया किसी और ने मुझे 38 रुपए आए बैठा बैठा। और क्या चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। आई थिंक ये गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि
से जहां से प्रोडक्ट बेस से भी हमें इनकम मिलता है। जो लोग प्रोडक्ट बेस से जो नेटवर्क मार्केटिंग के इन कंपनियों के बारे में जानते हैं उनको पता है उन्हीं ब्रांड का प्रोडक्ट हमें सेल करना पड़ता है, उन्हीं का इनकम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इन कंपनियों में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, तब भी हमें इन कंपनियों से भी पैसा मिलता है। सो ये बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो Amazon, Flipkart, Snapdeed, यहाँ पे आप देख सकते हो कि Amazon से बड़ा बड़ा कैशबैक यहाँ पे आया है 27 रुपए, Google 40, 34, 45, 551 रुपए बिग बास्केट से, माय गॉड 85, 145, 432, माय गॉड इतनी बड़ी रकम। सो आप फोक्स देख सकते हो एक फ्री साइन अप करने के बाद भी बिना 1770 अपग्रेड करने के बावजूद भी मुझे बिग बास्केट से 432 रुपीज आया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े कैशबैक हमें मिल रहे हैं वैसे Amazon में, वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें Flipkart है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 527 का यहाँ पे मुझे कैशबैक मिला है। फिर वैसे यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का देखो 3000 मेरे टीम में से किसी ने किया है और 3000 का हेल्थ इंश्योरेंस का कैशबैक उनको मिला है। सोचो दो जनों का अपग्रेड का पैसा उनको वसूल हो गया है, उनको बिना 1770 बावजूद भी हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे पैसा मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़े बड़े यहाँ पे आप कैशबैक यहाँ पे मिल सकता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ बुकिंग के एग्जाम्पल है, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो ये तो कुछ सैंपल्स हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है। सब वही चीज होती है टेक एक्शन टेकर। अब वही बात होती है कि सब कुछ इंफॉर्मेशन ले लिया, नॉलेज ले लिया, अब बात वही आती है कि एक्शन टेकर। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्शन को नहीं लोगे तब आपको रियलिटी नहीं पता चलेगी हमें क्या करना चाहिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि सारी अपॉर्चुनिटी सारा बिजनेस आपको स्कैम नजर आता है तो वही चीज आपको नजर आएगा। और बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, अपने दोस्तों से पूछ के बताऊंगा। अगर आपको पूछना है तो उन लोगों से पूछिए जो इस फील्ड में मास्टर है, जो एक्सपर्ट है, क्योंकि वही एक्सपर्ट यहाँ पे पैसा कमा रहे। जो लोग पैसा कमाना नहीं रहे आप उन लोगों को पूछोगे तो डेफिनेटली है, अगर 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 आपको पता होता कि वो लोग पैसे कमा रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी उन लोगों ने क्यों नहीं बताई। जिसने भी आपको आज के वेबिनार में बुलाया है वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, वो ऑलरेडी इस सेक्टर में एक्सपर्ट है, तभी तो वो आपको बता रहे। आपको फ्रेंड्स फैमिली साथ जिसको पूछने जाओगे उनको ऑलरेडी पता ही नहीं है। अगर पता होता तो आप लोगों को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी बता दी होती। बट वही चीज है, अभी एक्शन लेने की बात है। अगर आपको पूछना भी है तो उन लोगों से पूछिए जो इस फील्ड के अंदर मास्टर है, और मास्टर वही लोग हैं जो आज के सेशन में आपको जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किए हैं वो नेक्स्ट मनी के लिए एक्सपर्ट है। मैं तो ये तो नहीं बोलूंगा कि वो भगवान नहीं है, बट भगवान से कम भी नहीं है। उन्होंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक शानदार अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप लोगों का हक बनता है उनको दिल से थैंक यू बोलिए, उनको दिल से प्रणाम करिए, दिल से थैंक यू बोलिए और हैंडसम बोलिए। सो आज का सेशन मैं यही कंप्लीट करता हूँ और इसमें बहुत सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। हमारे ये तो सिर्फ खाली हमने प्रेजेंटेशन आपको बताया, बट हमारे कुछ यहाँ पे सेशंस भी होते हैं जिसमें कि हम पर्सनल ब्रांडिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें अलग अलग एक्सपर्ट से आप यहाँ पे सीखोगे, जहाँ पे आपको डेली बेसिस में आपके बिजनेस जो भी बिजनेस करता है वहाँ पे काम आएगा। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ पे आपको सिखाते हैं। सो आप भी लोगों से थैंक यू सो मच आज के सेशन में ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। अगर कुछ गलती हो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा और मैं हमारे गुरु मेरे मेंटर को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर हर्षवर्धन सर, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया किशोर सर, आज आपका प्लांट प्रेजेंटेशन सुपर डुपर रहा और सुपर से भी ऊपर रहा, और एक्साइटेड के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में, जो जोश जुनून के साथ में आज अपने प्लान लग रहा था कि आज डायमंड ही प्लान दे रहा है और वास्तव में लगा, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन रहा सर आपका। थैंक यू वेरी मच। पूरी टीम चैंपियन की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई था कि आपने इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन दिया, और जितने
भी लोग हैं, मुझे लग रहा है कि आप जितने भी लोगों भी बैठे हैं इस पार्टिसिपेट में, मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों के रेज हैंड दिख रहे हैं, तो मैं उन्हीं व्यक्तियों के रेज हैंड लूंगा जो व्यक्ति आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं और पहली बार अपनी बात रख सकते हैं। पहला, सेकंड चीज सर, जितने भी लोग आज अचीवमेंट हुए हैं प्लस अगर का वह लीडर पहले अगर का मुझे रेज हैंड करे तो बहुत बढ़िया होगा, ताकि हम उनको सेलिब्रेट कर सके और इस मीटिंग में उनको हम आगे ला सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक विश्वकर्मा सर है, हम सर आपका रेज हैंड है सर, मैंने आपको अनम्यूट किया गया, प्लीज सर अपनी बात को रख सकते हैं सर, शॉर्ट एंड स्वीट में रखना है सर, आपको कल ओनली फॉर 1 मिनट का टाइमिंग मिलेगा क्योंकि सर हमारे पास उधर तेलुगु मीटिंग का टाइम हो चुका है। अशोक विश्वकर्मा सर, जिसने हैंड रेस किया प्लीज सर आप तैयार रहे, 1 मिनट का मैसेज लेंगे सर, ज्यादा नहीं, अगर आपको अपनी बात रखना है तो। चलो ठीक है सर, हम आगे बात करते हैं। सुरेंद्र जी आपका भी रेज हैंड है, प्लीज सर आपको अनम्यूट किया गया, टॉप अप गया होगा आपकी स्क्रीन पे, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अशोक विश्वकर्मा सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, प्लीज सर। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी इसमें जो बैंक का ट्रांसफर है वो चालू नहीं हो गया इसका सिस्टम, तो उसके लिए कुछ सिस्टम होता है सर, कंपनी एक अपने बेस पे कुछ टारगेट से होते हैं, कहना चाहिए कोई फॉर्मेलिटी से होती है, उसके लिए भी थोड़ा टाइम है, थोड़ा रुकेगा, दशहरा तक हो जाएगा सर, इसके दशहरा तक यूपीआई आ जाएगी ताकि आप कर सकते सर वो भी काम, टाइमिंग लगेगा सर थोड़ा सा अभी, ठीक है थोड़ा वेट कीजिए सर। ओपन वॉलेट बनना हमारा मकसद है, ओपन वॉलेट ही बनना कंपनी का एक अगली प्लानिंग, ओपन वॉलेट ही बनना है बस, उसको हो सकता है थोड़ा कागज कार्रवाई में डिले हो सकती है, कुछ टर्नओवर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ बहुत सारी चीजें होती है जो उस पर डिपेंड करता है सर, ठीक है। तो बहुत जल्दी सर आपको वो भी खुशखबरी मिलेगी सर, ठीक है अशोक जी, ओके सर, थैंक यू सर। अगले हम लीडर को लेते हैं, सुरेंद्र जी आपका भी रेज हैंड है प्लीज सर, सुरेंद्र जी। चलो ठीक है, हमारे बीच में अजय पाल है यूपी सर, आपका रेज हैंड है, अनम्यूट किया गया सर हमने आपको, अजय पाल यूपी। चलिए ठीक है सर, राम अवतार सर, सर आपको अनम्यूट किया गया है, राम अवतार जी, ठीक है। आशीष कुमार सर आपको अभी अनम्यूट किया गया, प्लीज सर आपने अपनी स्क्रीन से आप अनम्यूट कर सकते हैं। अजय पाल सर आपने शायद किया, प्लीज सर। जी जी सर, नमस्कार सर जी, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, आपकी विद्युत बिजली का जो बिजली घर है उसका नहीं ऐड हुआ सर। हाँ सर, सर हम आपको आप लिमिटेड अच्छा आगरा में आते सर आप, हेलो जी जी सर, आगरा यूपी से जी सर जी, सर सर आपका हो चुका है बट कुछ कारण बस अगर कुछ हो सकता है तो सर आपके जो गोल्ड अपलाइन है सर प्लीज नाम बताएंगे, गोल्ड अपलाइन आपकी त्रिपाठी जी है सर, त्रिपाठी सर है दिल्ली से जी। चलो ठीक है सर, आप उनसे संपर्क करिए सर, बहुत जल्दी आपको वहाँ का सोल्यूशन मिल जाएगा सर, ठीक है सर, बहुत अच्छे कहना चाहिए आज जी सर, जी, नमस्कार सर, नमस्कार सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। उसके बाद हम लेते हैं राम अवतार सर, प्लीज सर अब अपना रेज हैंड किया अपने, प्लीज अपनी बात रख सकते हैं सर, आपको टॉप कॉप गया होगा राम अवतार जी। चलो ठीक है, आशीष कुमार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, बताइए सर। हाँ सर, मैंने दो रिचार्ज किए थे, एक तो 8वां महीना की 6 तारीख को सर, जी राइट है, ओके ₹34 का सर रिचार्ज नहीं हुआ सर, कैश बैक आया था लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं आया सर, ओके ओके सर। एक सर सितंबर में 6 तारीख को ₹599 किया सर, वो पैसा भी नहीं आया सर अभी तक। चलो ठीक है सर, मैं आपको दोनों का सलूशन कर दे रहा हूँ सर। देखो पहली चीज तो ये होती है राम अवतार सर, पहले तो हम सर कंटिन्यूटी में अगर का मीटिंग में बने रहेंगे तो ये सॉल्यूशन आपका बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा सर। देखो कठिनाई हमें जाती कहाँ पे है, जब हम उस चीज को सीखते नहीं है, राइट है, हम सुनते नहीं है, सीखते नहीं है, देखते नहीं है, समझते नहीं है सर, चारों बात मेरी आपको समझ में आ चुका होगा। अरे चारों चीज आपके समझ में आ चुका होगा तो अगर इसका सलूशन एक ही हमारी मीटिंग और ट्रेनिंग, अगर आप काश मीटिंग और ट्रेनिंग में आए होते तो ये बात आप मुझे जो बोल रहे हैं ये चीजें आप नहीं बोलते, ठीक है सर। आसान सा तरीका है, सबसे पहले शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको, जो भी आपकी ग्रेट अपलाइन है गोल्ड स्टार लीडर, सबसे पहले तो उनको कॉल करिए, जैसा मैं ये मीटिंग खत्म होती है उस टाइम पे,
और अगर हम नहीं कर सकते हो तो एक इस पे जाइए, किस पे, YouTube पे जाइए, उसमें लिखो कि है नेक्स्ट मनी के अंदर मुझे रेज, मतलब टिकट रेस कैसे करें, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा सर। एप्लीकेशन पे खोलिए, शॉर्टकट में वहाँ एक ऑप्शन आता है कंप्लेंट का, तो कंप्लेंट बॉक्स में जाइए, अपनी कंप्लेंट डालिएगा और वो पैसा रिटर्न आ जाएगा। सर मैंने कंप्लेंट भी कर रखी है और सिल्वर स्टार त्रिपाठी जी के पास ही भेज रखी है, जो मेरा अपलाइन गोल्ड स्टार है राजेश बंसल जी, उनके पास ही भेज रखी कम से कम एक महीने से। चलो ठीक है सर, आपकी बात मैंने नोटेड कर ली सर। हम होता सर, मैं प्रदीप त्रिपाठी सर तक आपको आपकी बात पहुंचा दूं सर। तो प्रदीप त्रिपाठी सर है या प्रदीप वर्मा सर है? प्रदीप त्रिपाठी सर के पास ही भेजा था मैंने। हाँ ठीक है, राजेश बंसल, राजेश बंसल गोल्ड स्टार उनके पास। ओके सर, हमारे आदरणीय शायद हो सकता है यहाँ पर होंगे तो उनसे भी हम सुनेंगे, लेकिन हम पहले उनकी भी सॉल्यूशन आपको कर देंगे सर। आप तक आपकी बात मैंने नोट कर ली है, आपकी बात उन तक पहुँच जाएगी सर, ठीक है, राम अवतार सर, ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और एनी लीडर्स और कोई हो तो प्लीज सर अपना रेज हैंड कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग ही आप मुझे थोड़ा सा ये कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा सर, तबके हम शॉर्ट में इसको निपटाएं। प्लान के अकॉर्डिंग प्लीज सर, राम अवतार सर आपको हो चुके हो। सेकंड सर हम लेते हैं आशीष कुमार सर, आप रेजेंट हैं। इजाज सर, इजाज सर आपको भी अनम्यूट किया गया है, आप अपनी स्क्रीन से अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, आ रही सर आपकी आवाज। नमस्कार सर, नेक्स्ट मनी वॉलेट में सर्विस तो सब ऑल इन वन है, वो बहुत बढ़िया है, बाकी कभी कभी प्रॉब्लम जो आ रही उसको और स्मूथ बनाया जाए, ऐसी मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है। बाकी तो बहुत बढ़िया वॉलेट है, सर्विस अच्छी है, सब रिचार्ज सब हो रहा है, बाकी थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे पास में सर। देखो जिंदगी में बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि प्रॉब्लम दिक्कत, देखो मैंने कहीं सुना था कि इस दुनिया में हम आए हैं तो दिक्कत परेशानी और पैसा, ये तीन चीज ऐसी है कि हर व्यक्ति के साथ में लगा हुआ है, क्लियर है। रही बात सर, हमारा जो सिस्टम है ये नया है, अभी 3 साल का बच्चा भर है सर। आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए आज हम हमारे जो अपडेशन, हम जो सर्विस में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो सर्विस बेस है, सर्विस बेस है, राइट है, यहाँ अपडेशन डेली कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलते रहता है, और नया कॉन्सेप्ट है इसलिए ज्यादा से ज्यादातर अपडेटिंग होती रहती है सर, राइट है। बट अगर सर हमने अगर 4 दिन बंद कर दिया तो हंगामा मच जाएगा सर, राइट है, ठीक है, फिर उधर से भी हमें गलत बोलेंगे कि सर आपने एप्लीकेशन बंद कर दिया, एप्लीकेशन बंद कर दिया, नेट समझ नहीं, ऐसा कर दिया, तो कंडीशन क्या होता है सर उसको। अब एक चीज बताइए, छोटा सा एग्जांपल बताओ, हमारे यहाँ लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, आप कभी भी करिए लैपटॉप पे 2 साइट खोलिए और एक पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन डाल दीजिए और एक पे वर्क करिए, तो आपका वहीं पे लैपटॉप आपका ना थोड़ा स्लो चलना चालू कर देगा, राइट है, मानते हो कि नहीं मानते हो? Right. तो सर आप ऐसा मान लीजिए सर, उतने बड़े सर्वर पे अगर कहीं अपडेटिंग चलती है या कहीं लोड होता है तो सर कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो तो चलेगा, ठीक है। तो सर ये चीज हम इसलिए अभी कर रहे हैं, इसलिए कंपनी कर रही है कि आने वाले वक्त में स्मूथ चले और आप और हम जैसे लोगों को फास्ट सर्विस मिले, ताकि आने वाले जो हो सकता है कि अभी लाखों में लोग हैं तो ये दिक्कत आएगी सर, करोड़ों लोग होंगे तो और बड़ी दिक्कत हो सकती है कि नहीं सकती? तो करोड़ लोग आएंगे हमारे साथ में कब, उसके लिए अभी से हमारा सॉफ्टवेयर को स्मूथ बना रहे सर, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर हम ज्यादा टाइम ना लेते हो सर, हमारे पास टाइमिंग का बहुत कम है, तो हम एक ही चीज लेंगे कि हमारे जो ग्रेट लीडर है उनको सुनेंगे। हाँ सर, डायमंड सर कुछ बोलना चाह रहे सर? हाँ आरसी सर, हमारे बीच में एक बहुत ही बड़े मतलब लीडर है जो जिन्होंने सिल्वर स्टार कंप्लीट किया है, जो कि लुवांग नाम है, मणिपुर से है और एयरफोर्स से है और बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप किया है, तो अगर उनका हम अगर एक थोड़ा सा 1 मिनट का सेशन उनका ले से तो बहुत आई थिंक बहुत लोगों को इंस्पिरेशन। ओके सर, ओके सर, सर प्लीज सर नाम बताएं मुझे। लुवांग करके है, लुवांग जी अगर आप मीटिंग करें। किशोर सर आप इनको इनवाइट करिएगा। लुवांग जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हो लुवांग जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर,
सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक लाइन सर। ओके सर, कंग्रेचुलेशन सर। सबसे पहले तो आपको आज सिल्वर रिंग के लिए हमारी टीम चैंपियन की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जैसे आपने आज सिल्वर रिंग अचीव किया, वैसे सर आप अपने लीडरशिप अचीव करिए, गोल्ड अचीव करिए, प्लस डायमंड जाइए, क्राउन डायमंड जाइए सर। यही हमारी पूरी टीम चैंपियन की तरफ से आपके लिए दुआ है सर। थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट अब मैं एक लाइन कराना चाहूंगा सर। जी सर, आगे से भी मैंने कुछ साल पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो किया है और इसी मार्केटिंग में आके एक चीज मेरे को आज बहुत चीजें क्लियर हो गया कि जो हमारे ऑफलाइन जो मेंटर है बस इनको पकड़ के रखिए और इनके जितने जो गाइडलाइंस है उसको एग्जीक्यूट करिए। बाकी और ज्यादा कोई एक्स्ट्रा मुझे दिमाग लगा के कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आज की मेरे की जर्नी में मैं किशोर सर का बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपको दिल से कि सर ने जैसे जैसे गाइडेंस देते गए और मैं इसको फॉलो करता गया और खास करके जो सोशल मीडिया और इन चीजों से एक हर सर का एक लाइन है, सोशल मीडिया कैन मेक यू अ मिलियनेयरी। मैं रियली इस चीज को लाइफ में अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और जितने बंदे सुन रहे हैं इनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को अपनी तरफ से एग्जीक्यूट करके देखिए और रिजल्ट पक्का आएगा। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, ओके सर, बहुत बढ़िया मैसेज सर। सर आपने ऐसी चीज बोल दी सर जो व्यक्ति समझदार होगा समझ गया होगा सर। सर अपलाइन को तो तब तक मत छोड़िएगा तब तक आप क्राउन डायमंड नहीं बन जाए। जैसे हमारे जो सीनियर होते हैं अपलाइन होते हैं वो कोच का काम करते हैं, अगर जिसका कोच नहीं उसका कुछ नहीं सर। ठीक है, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको एक बार और डबल से। दोबारा मेरी तरफ से भी मेरी टीम चैंपियन की ओर से। तो मैं सर ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम हमारे बीच में हमारे क्राउन डायमंड है तो हम सर उनको दो मिनट का मैसेज लेंगे फिर इस मीटिंग को एंड करेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर और ग्रेट कहना टीम चैंपियन के आज ऑनर है और उन्होंने आज सभी को संभाल रखा है और बहुत जबरदस्त तरीके से आज उनकी टीम ग्रोथ कर रही है और आज टॉप में कहना चाहिए एक फर्स्ट टीम चैंपियन क्राउन डायमंड। तो वेलकम करना चाहेंगे सर, दो मिनट का मैसेज हमारी टीम को दें और आगे मीटिंग को हम क्लोज करेंगे सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच आरसी यादव सर, और एक जबरदस्त एनर्जेटिक प्लान प्रेजेंटेशन जैसा हमेशा रहता है किशोर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके प्लान को देखकर एक बार फिर से नेक्स्ट मनी ज्वाइन करने का मन कर जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपके इस शानदार प्लान के लिए। और टीम चैंपियन परिवार के सभी दिग्गज लीडर्स जो इस सेशन में मौजूद है, नए लीडर, पुराने लीडर्स, डायमंड लीडर, गोल्ड लीडर, सिल्वर लीडर्स, सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो इस सेशन को बखूबी डेली अटेंड करते हैं और बखूबी अपनी टीम को यहाँ पर लेकर आते हैं। इस शानदार अपॉर्चुनिटी को हमें भारत के हर कोने तक पहुंचाना है और वो पहुंचाने के लिए जितना एफर्ट्स हमको करना पड़ जाए, जितनी मेहनत हमको करनी पड़ जाए, उतनी करने के लिए हम सभी तैयार है। टीम चैंपियन तैयार है, टीम चैंपियन परिवार तैयार है और हम एक परिवार की भांति भारत के हर कोने में टीम चैंपियन का परचम, नेक्स्ट मनी का परचम लहरा देंगे। ये मेरा वादा है, टीम चैंपियन के सारे लीडर्स का वादा है। जो भी नए साथी आज के सेशन में बैठे हैं, तुरंत इस सेशन के बाद आप जाने उस व्यक्ति से जिसने आपको बुलाया, उनसे लिंक लीजिए, आज ही इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए और अपने सपनों को, अपनी खुशियों को पाए। सो इसी बात के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी, जय नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैसेज सर। तो इसी के साथ मैं किशोर सर, आप होस्ट हो तो जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी।